Hello everyone, welcome to GATE Academy. My name is Sachin, All India Rank 70, GATE Computer Science 2020. So, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करते हुए कैसे एक अच्छा रैंक लेकर के आ सकते हैं, ठीक है? तो इस टॉपिक को मैंने कि कैसे आप सेल्फ स्टडी से अच्छा रैंक लेकर आ सकते हैं, इसको मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, सेकेंड इज प्रैक्टिस एंड थर्ड इज रिविजन, ठीक है? तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैंने तीनों को अलग अलग वीडियोज में डिवाइड कर रखा है. तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर कि कैसे आप अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है? क्या क्या आप रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आप बेसिकली फाइव मैं आपको सोर्सेज बताने वाला हूँ जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने गेट के लिए कंसेप्ट्स को, कि भाई आपको अच्छे से कंसेप्ट्स आपके समझ में आ जाए, ठीक है? सो द फर्स्ट सोर्स इज स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है? स्टैंडर्ड बुक्स आपको पता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अच्छी अच्छी कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक होती है, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पूरा पढ़ना शुरू कर देंगे. आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स उसमें पढ़ने हैं. चैप्टर्स के अलावा आपको उसमें पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स एग्जैक्टली पढ़ने हैं. सो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए. आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे तो वो तो बेस्ट सोर्स है अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास इनफ ऑफ टाइम अवेलेबल है, ठीक है? पर थोड़ा सा बोरिंग लगता है लोगों को या फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, इस वजह से पीपल अवॉइड. बट इफ़ यू कैन डू इट, यू मस्ट डू इट, ठीक है? ओके, अब इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि यार ठीक है, बुक जो है पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये जैसे मैंने बताया कि टाइम लग रहा है, तो एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं? डोंट वरी, आई विल बी मेकिंग द वीडियो ओवर दैट आल्सो कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको एटलीस्ट जरूर बुक्स को रेफर करना चाहिए, ठीक है? द सेकेंड सोर्स कैन बी कॉलेज नोट्स. अब ऑब्वियसली बात है कि आप अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो या तो आप पास आउट हैं या फिर परस्यू कर रहे होंगे, तो आपके कॉलेज में भी सब्जेक्ट्स कॉमन ही होते हैं गेट के लिए. ओके, तो कॉमन है तो आपने पक्का नोट्स बनाए होंगे. सो जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो दैट इज़ द बेस्ट व्हाट बेस्ट वे कि आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं साथ के साथ, अगर आप गेट के लिए एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल हैं, आपने बनाए हैं, अच्छे से साफ सुथरे लिखे होंगे, ठीक है, आपने असाइनमेंट भी किए होंगे, तो दैट मेक यू अवेयर कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो कॉलेज नोट्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए गेट के लिए, ठीक है? सो द थर्ड सोर्स इज नोट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट और सम टॉपर, ठीक है? ये आपको इजीली नॉर्मली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है? जनरली आपको मिल जाएगा कि भाई किसी इंस्टीट्यूट के आपको नोट्स मिल गए या फिर किसी टॉपर के, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट के भी नोट्स मिलेंगे ना, दैट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय समवन, ठीक है? एंड सिमिलरली अगर आप टॉपर के नोट देख रहे हो तो टॉपर के नोट भी आप देखोगे कि भाई वो उसने अपने हिसाब से अपने लिए बनाए हैं, इट्स नॉट फॉर द जनरल पब्लिक, ठीक है? इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हर स्टूडेंट अपने तरीके से नोट्स बनाता है, ठीक है? सो यू मे नॉट बी गेटिंग एवरीथिंग इन दैट, ठीक है? जैसे नॉर्मली अगर आप कहीं से पढ़ करके, किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के या फिर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है जो नोट्स बनाओगे, एक ही क्लास में अगर मैं बोलता हूँ 60 स्टूडेंट्स आ देयर, तो 60 स्टूडेंट्स के नोट्स डिफरेंट होंगे. सो सिमिलरली इट अप्लाइज ओवर हेयर एज वेल कि भाई जो भी नोट्स बना रहे हो क्या वो पूरे होंगे, कंप्लीट होंगे? तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि सारे टॉपिक्स हैं या नहीं है, ठीक है? अच्छे से एक्सप्लेन की गई चीज़ें हैं या नहीं है जहाँ से भी आपको नोट्स लेना चाह रहे हो, ठीक है? रैंडमली कहीं से भी नोट्स मांगना इज़ लाइक इट कैन बी अ ट्रैप और इट कैन बी अ बिग डिसएडवांटेज टू यू, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता हम नोट्स किसके रेफ़र कर रहे हैं, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ऑर्डर सिक्वेंसिंग गलत होती है या फिर कुछ टॉपिक्स मिसिंग होते हैं, उनका कुछ फिर फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? सो बी अवेयर कि आप नोट्स कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है? नोट्स के सोर्सेज आपको पता होना चाहिए, जेन्युइन सोर्सेज से ही आप नोट्स लें. द फोर्थ पॉइंट कैन बी यूट्यूब. यूट्यूब एज अ कम्युनिटी इट हैज़ लाइक इंक्रीज्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चुके हैं, ठीक है? यूट्यूब पर आपको तकरीबन मल्टीपल प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट के आपको नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ टीचर्स भी आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, ठीक है? लाइक आई एम फ्रॉम गेट अकेडमी, सो यू विल फाइंड नंबर ऑफ लेक्चर्स फ्रॉम गेट अकेडमी फॉर द गेट प्रिपरेशन, ठीक है? लास्ट ईयर के लिए भी, जब 2021 के एग्जाम के लिए ही, वी हैड क्रैश कोर्स अवेलेबल, ओके? सो क्रैश कोर्सेज की भी वीडियोज अवेलेबल है, सो यू कैन जस्ट ट्राई ऑल दैट, यू विल गेट टू नो कि भाई हाँ, पता चलेगा कि भाई कितना अच्छा कंटेंट है हमारा, ठीक है? और भी डिफरेंट रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? सो ये थी चार डिफरेंट रिसोर्सेज जो कि आप यूज़ डेफिनेटली कर सकते हो. पांचवा इज समथिंग विच इज़ अ प्रीमियम सोर्स
for your conceptual building, that is enrolling into someone's institute or online platform. ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार मेरे को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या फिर कहाँ से मैं पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, क्योंकि वो सब चीज़ों के लिए ही तो आप पे करते हो किसी टीचर को. टीचर इज़ हैविंग दैट एक्सपीरियंस कि भाई वो बता पाए कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़नी चाहिए या फिर कहाँ से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दैट पर्टिकुलर टीचर विल इंक्लूड एवरीथिंग इन हिज ओन टीचिंग. ठीक है, तो फिफ्थ इज़ लाइक क्या बोला मैंने, थोड़ा सा प्रीमियम पड़ जाता है. ठीक है, बट स्टिल दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर. ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी यू कांट अफोर्ड दैट, यू स्टिल हैव फोर ऑप्शंस विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. ठीक है, सो ध्यान देना ज़रूरी है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है. आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या स्टेप्स होने चाहिए. बुक्स के लिए मैं आपको बताऊंगा जल्दी ही कि आप कौन कौन से बुक्स रेफर कर सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स उसमें आपको पढ़ने चाहिए टू प्रिपेयर फॉर द गेट. अपार्ट फ्रॉम दैट, यूट्यूब चैनल यू ऑलरेडी नो यू आर स्मार्ट इनफ, यू कैन जस्ट ट्राई द वीडियोज. ठीक है, जिसका भी आपको लगता है कि भाई वीडियो से मेरे को समझ में आ रहा है, दैट इज बेस्ट फॉर यू, ऑलवेज रिमेंबर दैट. ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए. कहने का मतलब है कि आप नोट्स भी किसी के रेफर कर रहे हो, आप स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ रहे हो, साथ में आप यूट्यूब भी देख रहे हो सबका. ठीक है, और मतलब यू हैव एनरोल्ड इन टू समवन्स कोर्स एज वेल. ठीक है, तो क्या आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए? नो, यू शुड स्टिक टू वन ओनली, ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है, आपको दूसरे सोर्स की तरफ सिर्फ तब जाना चाहिए वेन यू फाइंड यार मेरे को ना ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर दिस टॉपिक वॉज मिसिंग बाय दिस पर्टिकुलर सोर्स, या फिर इस पर्टिकुलर सोर्स में मुझे ये वाला जो टॉपिक था या फिर कॉन्सेप्ट था ये अवेलेबल नहीं था, ओनली देन यू शुड मूव ऑन टू सम अदर सोर्स. क्योंकि बहुत बार एज अ स्टूडेंट आई नो वट आई हैव डन इन द पास्ट कि भाई मुझे बेस्ट करना है, बेस्ट करने के लिए जहाँ से भी जो जो रिसोर्सेज मिले लेट्स रीड फ्रॉम दैट. जहाँ से जो भी मेरे को रिसोर्सेज मिल जाए, वीडियोस मिल जाए, एक ही टॉपिक पे मैं मल्टीपल वीडियोस देख दूंगा तो मेरा तो काम बन जाएगा, कितना बढ़िया बन जाएगा, बट इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है. ठीक है, आपको मल्टीपल वीडियोस सिर्फ तब देखनी चाहिए अगर आपको एक भी वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है. आ गया है देन मूव ऑन. क्योंकि एक बात याद रखिए, एक कॉन्सेप्ट ही आपका पूरा नहीं पूछा जाएगा सिर्फ गेट में, एक सब्जेक्ट ही आपसे नहीं पूछा जाएगा. सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दे रहे हो. किसी टॉपिक या सब्जेक्ट के पीछे एकदम पागल भी नहीं होना है कि यार बस ये मेरा फेवरेट टॉपिक बन चुका है, इसको तो मैं पढ़ता रहूँगा, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है तो मैं इसको पढ़ता रहूँगा. नहीं, आपको और सब्जेक्ट्स के बारे में भी सोचना है. ठीक है, सो लिमिटेड टाइम हर एक को देना है. ठीक है, तो ये मत देखिएगा कि भाई मल्टीपल सोर्सेज से एक ही चीज़ के लिए लगे हुए हैं. ओनली देन मूव ऑन टू द अल्टरनेटिव सोर्स इफ़ यू फील कि मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है अगर मैंने यहाँ से पढ़ा है, या फिर ये टॉपिक अनकवर्ड थे. ओके, सो ये थी वीडियो रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कि भाई आप कॉन्सेप्ट अपने कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस और रिवीजन के बारे में. ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो को सेल्फ स्टडी वाली वीडियो को मैंने तीन पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है. फर्स्ट वॉज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आई हैव कवर्ड इट इन इट. ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस कि भाई प्रैक्टिस किसे करना है. ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए. थर्ड वुड बी द रिविजन कि आप जब कॉन्सेप्ट आपकी बिल्डिंग हो चुकी है, आपने प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चंस, तो उसके बाद रिविजन बहुत ज़रूरी है. रिविजन कैसे करना है बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में. अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए.